भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ अलवर द्वारा अलवर के महावर ऑडिटोरियम में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दंग ने शिरकत की। गौतम दंग ने सहकारिता समिति से जुड़े सभी लोगों से आगामी 19 तारीख को मतदान के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज मेरा यहाँ अलवर सहकारिता के इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। यहाँ सहकारिता से जुड़े पूरे जिले भर से सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी आज यहाँ बीच में पहुंचे और सभी ने जो देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वो नया विभाग का भी उन्होंने गठन किया और नया मंत्रालय बना करके देश के गृह मंत्री जी को ये महत्वपूर्ण विभाग दे करके सहकारिता क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए उनकी चर्चा आज हमने इनके बीच में की। सभी को जानकारी भी है कि कैसे सहकारिता के क्षेत्र में देश आज आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सभी के चेहरे के उत्साह देख करके आप भी स्वयं ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो आने वाला जो 19 तारीख को जो यहाँ मतदान होने वाला है उसमें एक अच्छे बहुमत के साथ आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो है हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, सहकारिता से जुड़े सभी प्रतिनिधियों ने यहाँ संकल्प भी लिया है कि यहाँ से लाखों वोटों से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ से जीत करके दिल्ली जाएंगे और देश में अलवर का नाम रोशन करेंगे। सर लगातार भाजपा और सुखवाली मोदी जी गारंटी पर बात कर रही है, अलवर जनता के लिए भूपेंद्र जी की गारंटी क्या? अलवर के लिए निश्चित रूप से हम भूपेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से 5 सालों से पार्टी की सेवा की और उसके बाद में उनको जो जिम्मेदारी दी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी का पूरी अच्छी तरह से निर्वहन भी किया है और जो जो भी कमिटमेंट्स जो जो भी घोषणाएं उन्होंने की वो एक अच्छे संगठन के कार्यकर्ता है, उन बातों पे निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। आमजन को भी विश्वास है, कार्यकर्ताओं को भी उनकी बात का और पूरा विश्वास है। देश में मोदी जी की गारंटी आप देख सकते हैं, उन्होंने जो भी कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जिस विचारधारा को लेकर के हम चले, जिन बातों को लेकर के हम आगे बढ़े थे, उन सब बातों पे खरा उतरने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किया।